बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीएस मैनेजमेंट सेकंड सेमेस्टर आपको लेक्चर नंबर 8 में खुश आमदीद। लास्ट लेक्चर जो हमने ख़त्म किया था वो रीड ओनली मेमोरी पे थे हम, इसको आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने रैम को देखा था कि वो रैंडम एक्सेस मेमोरी टेम्परेरी स्टोरेज होती है और रोम हमारे पास एक परमानेंट स्टोर होती है। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी इंस्ट्रक्शन इन रोम प्रिपेयर द कंप्यूटर फॉर यूज। ठीक है, इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन होती है रोम में वो इसलिए इस्तेमाल होती है कि उसे कंप्यूटर की जो जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन जरूरी होती है वो इसके अंदर परमानेंट पड़ी होती है। दिस इंस्ट्रक्शन कैन ऑनली बी रीड बट कैन नॉट बी चेंज और डिलीटेड। अब ये इंस्ट्रक्शन जो होते हैं इनको रीड तो किया जा सकता है लेकिन इनको चेंज नहीं किया जा सकता। ये मुमकिन नहीं है कि नई इंफॉर्मेशन रोम के ऊपर लिखी जाए। रोम स्टोर्स डेटा इन इंस्ट्रक्शन परमानेंटली व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ। अगर तो लाइट पे चली जाती है, आप पावर ऑफ भी कर देते हैं तब इसकी इंस्ट्रक्शन रोम की वो इसी में सेव रहती है। इसको नॉन वोलेटाइल कहा जाता है। इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन लिखी जाती है वो जो मैन्युफैक्चरर जिसने रोम को बनाया वो इसके अंदर वो इंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरर उसके अंदर डाल देता है। व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन इंस्ट्रक्शन द रोम आर ऑटोमेटिकली लोडेड इनटू मेमोरी। देखिए हमने ये बात पढ़ी थी कि जब भी कंप्यूटर ऑन होता है तो उसकी जितनी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी के सारी इंस्ट्रक्शन वो पहले मेमोरी में लोड होती है और फिर सीपीयू उसको प्रोसेस करता है। अब ये कौन कहता है इसको? और फिर हम ये भी कह रहे हैं कि जो रैम है ये टेम्परेरी है, लाइट है, उसके अंदर सारी इंस्ट्रक्शन खत्म हो जाती हैं। तो अब ये जो रोम होती है इसके अंदर परमानेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि जो ही कंप्यूटर को पावर ऑन किया जाएगा तो इस कंप्यूटर ने करना क्या है, इसने अपना सेल्फ टेस्ट करना है, उसके बाद इसने कुछ इंस्ट्रक्शन मेमोरी में लोड करनी है, उसके मुताबिक फिर वो कंप्यूटर आगे प्रोसेस करता है। तो रोम के अंदर जो इंस्ट्रक्शन होती है, अगर आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क नहीं लगी हुई, सिर्फ आपके पास प्रोसेसर है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में होते हैं, प्रोसेसर है और रैम लगी हुई है और रोम है, तो आप उसको ऑन करेंगे तो वो जो रोम है उसमें से जो इंस्ट्रक्शन होगी वो चलाकर आपको दिखा देगा, जिसे बायोस कहा जाता है। अब बायोस क्या चीज होती है? रोम कंटेन्स अ स्मॉल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड रोम बायोस। बायोस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। दीज इंस्ट्रक्शन टेल द कंप्यूटर हाउ टू एक्सेस हार्ड डिस्क, फाइंड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लोड द ऑपरेटिंग इन रैम। अब चूंकि जो होती है हमारे पास ये रोम, ये इतनी बड़ी नहीं होती, ये भी छोटी एमबीस तक होती है, और जो हार्ड डिस्क होती है ये तो आपकी जीबीस में होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है ना वो अच्छी खासी कैपेसिटी चाहिए होती है, तो वो आपका हार्ड डिस्क में पड़ा होता है। अब ये इंस्ट्रक्शन रोम में परमानेंट डाली जाती है कि तुमने जाना है सिस्टम में और हार्ड डिस्क के फ्लॉ सेक्टर से उठाकर इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करना है, और उसके बाद जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है और वो सिस्टम आपको आपके लिए यूजेबल हो जाता है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन होते हैं इनको बायोस कहा जाता है, जो परमानेंट उसमें स्टोर होती है। अब ये जो रोम होती है ये डिफरेंट टाइप्स की होती है। इसमें एक रोम की टाइप होती है पी रोम, जिसे प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। दिस फॉर्म ऑफ रोम इज इनिशियली ब्लैंक। अब ये जो रोम की ये जो टाइप है पी रोम, रोम तो हमने पढ़ा ना जो परमानेंट होती है, जिसमें हम ना कुछ लिख सकते हैं ना उसको मिटा सकते हैं, लेकिन ये आगे उसकी कुछ टाइप्स हैं जिनमें कुछ पॉसिबिलिटीज हैं। वो क्या है? पी रोम, इसको प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। इनिशियली ये ब्लैंक होती है, जब आप इसको पहली दफा मैन्युफैक्चरर लेता है ये ब्लैंक होती है, वो अपनी मर्जी से इसके ऊपर डेटा राइट करता है। ठीक है, जब उसको वो राइट, इसके बाद एक ही चांस होता है वो राइट करने का, अगर राइटिंग के दौरान उतने एरर कुछ आ गया तो वो एरर रिमूव नहीं किया जा सकता। इसलिए इसको जो प्रोग्रामेबल रोम होती है एक दफा इस पे हम राइट करके इसको इंस्टॉल कर देते हैं चिप में। उसके बाद आ जाती है ईपी रोम। ईपी रोम का मतलब है कि इरेजेबल भी है और प्रोग्रामेबल भी है। दिस इज अ फॉर्म ऑफ रोम इज इनिशियली ब्लैंक होगी और यूजर या मैन्युफैक्चरर इसको लेकर उसके ऊपर राइट भी करेगा डेटा एंड प्रोग्राम्स को जो स्पेशल डिवाइसेस की मदद से, और जो डेटा या प्रोग्राम उस पर आपने राइट किया है उस यूजर ने या मैन्युफैक्चरर ने उसको इरेज भी किया जा सकता है विद स्पेशल डिवाइसेस यूजिंग अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, और उसको दोबारा से लिखा भी जा सकता है। इसी तरह एक और भी होती है ईपी रोम कहते हैं उसे,
electronically erasable programmable read-only memory. In this memory, user can erase and write instruction with the help of electrical pulses. If there is any error in writing the instruction, the user can erase and erase the content electronically. उसको कंटेंट को रिमूव भी किया जा सकता है और नया लिखा भी जा सकता है. तो ये रोम के डिफरेंट टाइप्स थे. इसको एक निगाह डालो, रैम टेम्परेरी होती है, रोम क्या है वो परमानेंट है. डेटा जो है उसको रीड भी किया जा सकता है और राइट भी किया जा सकता है, लेकिन जो जनरल रोम है, रोम की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर डेटा एक ही दफा लिखा जाता है जब फर्स्ट टाइम उसमें लिखा जाता है, बाद में हम उसमें रीराइट नहीं कर सकते.